वैसे तो लहसुन कई सदियों से इस्तेमाल करा जाता है हमारे खाने को जायका देने के लिए। इसके साथ साथ क्या दोस्तों आपको ये बात पता है कि लहसुन बहुत सदियों से, जब से एंटीबायोटिक और फार्मेसी प्रोडक्ट जैसे नाम भी नहीं इजाद हुए थे दोस्तों, तब से लहसुन कई बीमारियों में इस्तेमाल करा जाता है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी महामारियों में भी लहसुन का इस्तेमाल करा गया है, जैसे कि डिसेंट्री हैजा है, इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा भी है। तो सोच के देखिए आप, जब ये इतनी बड़ी बड़ी महामारियों में इस्तेमाल करी जाती थी तो इसके फायदे कितने होंगे। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने से लेकर हमारे खाने में जायका देने तक लहसुन ने एक बहुत अच्छी जगह बनाई है हमारे किचन के रैक्स में और हमारी दवाइयों के कैबिनेट में। आज के टाइम पर इस पर इतनी ज्यादा रिसर्च हो रही है, इतने ज्यादा ट्रायल्स हो रहे हैं जिसमें काफी चीजें समझ में आई हैं, जैसे ये बहुत कॉमन और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में भी फायदेमंद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, इसके साथ साथ हड्डी और स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, और दोस्तों यही नहीं कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में भी इसका फायदा देखा गया है। और पहले से लोग लहसुन खाते आ रहे हैं अपने खाने में, लेकिन उनको इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स नहीं पता हैं, और जो लोग इसको हेल्थ के बेनिफिट के लिए खाते हैं उनको सही खाने का तरीका और सही टाइम नहीं पता है। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके सामने यही लेकर आया हूँ कि लहसुन के वो पांच अनोखे फायदे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसके साथ साथ इसको सही खाने का टाइम, और अगर आपका नहीं खाने का मन करता तो क्या चीज आप ऐड अप करें, या फिर कैसे इसको किस शक्ल में खाएं जिससे आप इसको खा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताज और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अब तक हेल्दी। लहसुन वैसे तो दोस्तों पूरी दुनिया में उगाया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर इसकी ग्रोथ में एक बहुत बढ़ावा देखा गया है। इसने अपनी तरफ एक अटेंशन खींच लिया लोगों की, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन बीमारियां जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वाली दिक्कतें हैं उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है। और ये बात दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो स्टडीज और क्लिनिकल ट्रायल्स बोल रहे हैं जो कि कई सालों से इसके ऊपर होते आए हैं। तकरीबन 20 सालों की मेहनत के बाद ये पता चला है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी ट्यूमरोजेनिक, इसके साथ साथ ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल कम करने की प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर पाई जाती हैं, जो मदद करता है लहसुन को सारी बीमारियों से लड़ने के लिए। लहसुन वैसे तो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो शायद एक वीडियो बहुत कम पड़ेगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए भी। सबसे पहले इसमें ज्यादा मात्रा में कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे पोटेशियम है, फॉस्फोरस, जिंक है और सल्फर है। इससे कम मात्रा में थोड़ा सा इसके अंदर पाया जाता है सेलेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन। और इससे भी थोड़ी सी कम मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यही नहीं दोस्तों, इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स, टेनिन, सपोनिन्स और पॉलीसेक्राइड्स। इसके साथ साथ इसके अंदर 20 से ज्यादा पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स भी हैं, जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके एक्शंस के लिए। जो आपको इतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं इसके सल्फर कंपाउंड्स ही हैं, जिसमें सबसे पहले अलाइन आता है, एलिसिन है, अजोइन है और भी बहुत सारे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर 17 अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, जिसमें से 8 जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं। शायद यही एक बड़ा रीजन है कि इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी सेहत को बेनिफिट्स पहुंचाता है। और अगर इसके फायदों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने का फायदा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर सल्फर कंपाउंड एलिसिन होता है, तो एलिसिन एक एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है जो कि आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से दूर रखता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहती है। क्योंकि दोस्तों जितनी ज्यादा आपकी बॉडी इन्फेक्शन से दूर रहेगी उतनी ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। इसके अलावा ये आपकी हार्ट की कंडीशन को भी एकदम फिट रखता है, जिसमें सबसे पहला ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लहसुन खाने वाले पेशेंट्स में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम मिला है, जो कि एक तरह से आपकी हार्ट की कंडीशन को फिट रखता है। इसके साथ साथ ये आपके एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर कम करता है, एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्लॉट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, जो कि इनडायरेक्टली आपके हार्ट की कंडीशन को एकदम फिट रखता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, जिसकी वजह से आपकी नसों की जो इलास्टिसिटी है वो एकदम बरकरार रहती है, उसकी वजह से आपका ब्लड रिड्यूस नहीं होता और हार्ट की कंडीशन एकदम अच्छी रहती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टीज भी हैं, जिसकी वजह से आपकी नसों के अंदर क्लैम्प्स और क्लॉट्स नहीं बनते हैं, जो कि लीड करती हैं आपके एक हेल्दी हार्ट की तरफ।
इसके अलावा इसमें डायबिटीज से लड़ने की ताकत भी देखी गई है, क्योंकि लहसुन खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन की तरफ ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज बह रहा है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब भी हमारी बॉडी कर पाती है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी देखी गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर सल्फर कंपाउंड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि एलिसिन है, डायलाइल सल्फाइड है, डायलाइल डायसल्फाइड भी है, जो कि लेबोरेटरीज में देखा गया है कि उनके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई गई हैं, जिसमें इन्होंने कैंसर सेल ग्रोथ पर थोड़ी रुकावट लगाई। इसके साथ साथ जो भी कैंसर सेल्स थे उनकी डेथ में भी हेल्प करी, जिसको बेसिकली अपोप्टोसिस कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है और हमारी स्किन को हेल्दी भी रखने में हेल्प करती है, जैसे कि हमारे लिवर फंक्शंस को एनहेंस करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। उसकी वजह से दोस्तों हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम बढ़िया रहता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन एकदम फ्रेश रहती है। इसके साथ साथ इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, जो कि हमारी स्किन में होने वाले एक्नेज और फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से हमें दूर रखती है। तो दोस्तों ये इसके फायदे थे। इसके फायदे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये ऐसे अद्भुत फायदे हैं जो आपको पता होने बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों लोगों का मानना है कि लहसुन को सुबह के टाइम खाया जाए दोपहर के, और कुछ लोगों का मानना है कि रात के टाइम, लेकिन काफी सारे लोग जिन्होंने लहसुन को रात में इस्तेमाल करा था उनके पेट में अनइजीनेस देखी गई थी, जिसकी वजह से रात में तो खाना नहीं है, लेकिन काफी सारे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं इसको खाली पेट सुबह कच्ची शक्ल में ही खाया जाए। क्योंकि दोस्तों जब हम इसको कुक करते हैं या इसको हम किसी सब्जी में डाल के बनाते हैं, तो जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सल्फर कंपाउंड है एलिसिन, वो डाइल्यूट हो जाता है कुकिंग की वजह से, जिसकी वजह से उसके असर थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका लहसुन खाने का मन नहीं करता इसकी तेज स्मेल की वजह से, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप करके लहसुन खा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि आप लहसुन की चाय पी सकते हैं, जिसमें आप एक लहसुन का क्लोव लें और इसके साथ साथ उसमें सिनेमन ऐड करें, और डायबिटिक नहीं है तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, उसको पानी में बॉईल करें और एक तरह से चाय बना के पीजिए। इसके अलावा आप लहसुन को शहद के साथ भी खा सकते हैं, जैसे कि लहसुन के छोटे छोटे पीसेस करिए, उसको एक कटोरी के अंदर रखिए और उसके अंदर शहद ऐड करिए। शहद ऐड करने के बाद कुछ टाइम छोड़िए, उसके बाद फिर उसको अच्छे से चबा के खाइए। इसके अलावा दोस्तों आप लहसुन को रोस्ट करके खा सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप आग के ऊपर रख के रोस्ट कर सकते हैं लहसुन को, नहीं तो इसको एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर बंद करके आप अपने माइक्रोवेव में भी इसको एक तरह से रोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप गार्लिक का ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप अपनी आम जिंदगी में अपने खाने में भी लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपकी हेल्थ को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले। इसीलिए दोस्तों अपनी लाइफ में आज से ही आप लहसुन को इंट्रोड्यूस करिए, और आप डेफिनेटली आप एक टाइम के बाद रिमार्केबल हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, अगर आप किसी चीज की ऑलरेडी दवाइयां खा रहे हैं, तो प्लीज आप उन दवाइयों को बंद कर कर लहसुन पर नहीं आ सकते हैं। उन दवाइयों को आप खाते रहिए और साथ में लहसुन को भी एक कम मात्रा से अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराइए। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, तो अपने लहसुन की मात्रा को कम कर दीजिए या फिर खत्म कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसी छोटी छोटी टिप्स के लिए मेरे चैनल अब तक हेल्दी को फॉलो करें और अपनी सेहत को बरकरार रखें अपने बुढ़ापे तक। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।